हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त अनीस। और देखिए, ये मेरी वाटर लिली है। तो इसको जो है मैंने कुछ दिन अभी कल ही मैंने इसको रिपोर्ट करके फिर से लगा दिया। और देखिए, एक दिन में देखिए इसकी लीव्स ऊपर आने लगी। ये मेरी ब्लू वाटर लिली है, जो किंग ऑफ सैम मतलब इसका आईडी है। दोस्तों, ये वाटर लिली जो है अपने इंडिया में ही तकरीबन 2000 से ज़्यादा वेराइटीज़ की होती हैं। सबसे ज़्यादा साउथ में इसका जो है इसकी कल्चर सबसे ज़्यादा मिलता है। नॉर्थ इंडिया में भी जो बहुत अच्छे से चलती हैं, नॉर्थ इंडिया में भी आपको देखने को मिल जाएंगी। और अगर आप जो है साउथ इंडिया में जाते हो तो आपको इसमें लिली लोटस जो है मतलब कि इसमें से मैंने देखा है कि सिंगल लेयर से लेकर के 14 लेयर तक की वाटर लिली मुझे मिलती हैं। ये देखिए, मेरे इसमें 4 वाटर लिली लगी हुई हैं। मतलब बीच सेंटर वाली, ये सेंटर वाली ही मेरे पास एक थी, लेकिन उससे ये 4 जो है लास्ट ईयर मैंने बना करके इसके तैयार किए हैं। तो और इसमें से अभी कुछ जो है 2-3 अभी लगी हुई हैं अंदर, अभी उसमें अभी स्प्राउटिंग नहीं निकली है। दोस्तों, ये सारी मेरी ट्रॉपिकल वाटर लिली है। मेरे पास एक हार्डी वाटर लिली है, जिसका वीडियो मैं आपको किसी और एक दिन दिखाऊंगा। दोस्तों, इसमें अगर आप देख रहे होंगे तो इसको मैंने एक टब में ही लगाया हुआ, एक मतलब पॉट में ही लगाया हुआ है, जो कि मेरा 24 इंच का एक पॉट था, तो उसमें ही मैंने इसको लगा दिया है, जो इसके लिए सफिशियंट है। क्योंकि इसके लिए आप 18 इंच से लेकर के 40 इंच तक का पॉट दे सकते हैं, तो इसलिए मैंने 24 इंच का मेरे पास ये पॉट रखे हुए थे लगाने के लिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़े थे, इसलिए मैंने इसमें लिली ग्रो कर दिया है। आप देख रहे हो कि इसमें इन सभी में स्प्राउटिंग आना शुरू हो गया। मैंने केवल सिंपल सॉयल दिया है, तो आप इसमें कोई फर्टिलाइजर अभी मत दीजिए। तो दोस्तों, मेरा यह तरीका कैसे लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आपको ऐसी न्यू इन्फॉर्मेशनल वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहें। दोस्तों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।